क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने दूसरे दिन ठीक ठाक वापसी कर ली और जो भारतीय टीम पहले दिन पूरी तरह से पिटी हुई दिख रही थी उसने दूसरे दिन कमाल का खेल दिखाया और इसके सबसे बड़े हीरो हैं शार्दुल ठाकुर। लेकिन मैदान में जो हुआ, मैदान के बाहर जो हुआ, उसने दिखा दिया कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। जी हाँ, शार्दुल ने शानदार बॉलिंग की मगर शार्दुल पर कप्तान राहुल भरोसा ही नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन फिर विराट कोहली ने बाउंड्री के बाहर से खास मैसेज किया और शार्दुल ने कहर ढा दिया। तो क्या हुआ दूसरे दिन मैदान में, कैसे विराट ने बाउंड्री से बाहर से की शानदार कप्तानी, कैसे शार्दुल ने मचाया गदर, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस पर कमेंट जरूर करें। तो साउथ अफ्रीका ने दूसरे दिन खेलना शुरू किया और दोनों ही बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे कि आउट ना होने की कसम खाई हो। इस दौरान कप्तान केएल राहुल ने हर गेंदबाज को अजमाया। शमी और बुमराह से दिन की शुरुआत की तो फिर सिराज के साथ अश्विन को भी बॉल थमाई मगर हालत ये थी कि टीम के पांचवे गेंदबाज होने के बाद भी शार्दुल ठाकुर को राहुल ने बॉल नहीं दी। शार्दुल सिर्फ इंतजार कर रहे थे और वहां भारतीय गेंदबाज बुरी तरह से पिट रहे थे, साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज खुलकर रन बना रहे थे। वहीं शार्दुल ठाकुर ब्रेक थ्रू दिलाने में, विकेट लेने में कितने शानदार हैं, इसके बारे में कप्तान विराट कोहली अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए तो जब राहुल ने शार्दुल को बॉल नहीं दी तो मैदान के बाहर से विराट को इशारा करना पड़ा। यहाँ पारी के 36 ओवर गुजरने के बाद भी शार्दुल को बॉल नहीं दी गई थी और जब विराट से रहा नहीं गया तो इशारा करके कहा कि शार्दुल को बॉल दो और राहुल ने फिर वही किया। शार्दुल ठाकुर भी सही वक्त का इंतजार कर रहे थे मगर अब पहले ओवर में तो शार्दुल ने चौका खाया मगर शार्दुल ठान कर आए थे और हुआ भी वही। अपने दूसरे ओवर की पांचवी बॉल पर शार्दुल ठाकुर ने कप्तान डीन एल्गर को ढेर कर दिया और अफ्रीका को सबसे बड़ा झटका दिया। शार्दुल की शानदार बॉलिंग शुरू हो चुकी थी लेकिन अभी तो ये ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म बाकी थी। फिर शार्दुल ने अगले ओवर को मेडन रखा मगर लाइन लेंथ बिल्कुल सटीक रखी और उसका फायदा भी मिला। शार्दुल ने अपने चौथे ओवर में सबसे बड़ा विकेट लिया और पीटरसन को ढेर कर दिया। शार्दुल की शानदार बॉल पर सेकंड स्लिप में मयंक अग्रवाल ने बेहतरीन कैच पकड़ा और बड़ा झटका अफ्रीका को दिया। पीटरसन 62 रन बनाकर आउट हो गए मगर शार्दुल का कहर अभी थमा नहीं था। इसके बाद अगले ओवर में रासी वांडेडुसन को ढेर कर दिया और ये ठाकुर का तीसरा विकेट था। जिस शार्दुल ठाकुर को 36 ओवर तक बॉलिंग नहीं दी गई उसके बगैर भारत विकेट ही नहीं ले पाया और शार्दुल ने आते ही सिर्फ 4 ओवर की बॉलिंग में 8 रन दिए और 3 विकेट अपने नाम कर दिए, भारत की जबरदस्त वापसी करा दी और यहां तक कि लंच से ठीक पहले ही मैच को एक तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया। अब इसके बाद तो लंच के बाद दूसरे सेशन में भी अफ्रीकी टीम को भारतीय गेंदबाजों ने खूब रुलाया और रही सही कसर तीसरे सेशन में पूरी हो गई। तो कुल मिलाकर दूसरे दिन शार्दुल ठाकुर ने भारत की वापसी कराई, जबरदस्त वापसी कराई और उसका पूरा क्रेडिट शार्दुल ठाकुर के साथ विराट कोहली को भी जाना चाहिए जिन्होंने मैदान के बाहर से राहुल को सुझाव दिया और तब जाकर शार्दुल को बॉल मिल सकी। नहीं तो अफ्रीकी टीम बहुत बड़ी, बहुत लंबी बढ़त की तरफ बढ़ रही थी मगर शार्दुल ने सब कुछ ढेर कर दिया। तो आपका शार्दुल की बॉलिंग पर, विराट के मैसेज पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारतीय टीम ने सेंचुरियन में इतिहास रच दिया और उस टेस्ट मैच को जीता जिसमें एक पूरा दिन बारिश की भेंट चढ़ गया। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पहले दमखम दिखाया और फिर बाद में गेंदबाजों ने कमाल किया और भारत को बड़ी और ऐतिहासिक जीत दिलाई। अब ये जीत इतनी आसान नहीं थी क्योंकि खेल के साथ मैदान में विरोधियों की दूसरी चालों से भी निपटना था और ऐसा ही कुछ हुआ था मैच के चौथे दिन जब बॉल को लेकर खासा विवाद हो गया। जी हाँ, जब अफ्रीका की दूसरी पारी शुरू हो रही थी तो टीम इंडिया को नई बॉल के बजाय पुरानी बॉल थमा दी गई थी जिसे लेकर विराट कोहली ने और भारतीय टीम ने खासा विरोध जताया जबकि अफ्रीकी अंपायर और अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर कहते रहे कि नई बॉल है, इसी से खेलना होगा मगर बाद में मैच रेफरी के दखल के बाद बॉल चेंज करवाई गई, भारत को नई बॉल दी गई और इस दौरान 10 मिनट तक खेल रुका रहा। अब पहले टेस्ट मैच में अफ्रीका को शानदार हार मिली तो साउथ अफ्रीका के कप्तान और उनकी टीम के होश ठिकाने आ गए और एक तरह से घमंड भी चूर चूर हो गया। मैच में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए डीन एल्गर ने इस बॉल विवाद पर भी बात की और माफी मांग ली। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ डीन एल्गर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस दौरान जब वो सामने आए तो पहले तो भारतीयों की खूब तारीफ की। एल्गर ने राहुल की तारीफ की और कहा कि उस कंडीशन में जहां रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था वहां राहुल ने कमाल की बल्लेबाजी की और केएल राहुल की बल्लेबाजी ही मैच में अंतर कर गई और यही अंतर भारतीयों को जिता गया, अफ्रीका को हरा गया।
डीन एल्गर ने इसके बाद मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की भी तारीफ की। एल्गर ने कहा कि शमी ने हमारे दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को खासा परेशान किया और बुमराह तो हमेशा अटैकिंग मूड में रहते हैं। हमारी टीम को, हमारे बल्लेबाजों को इन दोनों ही गेंदबाजों से बचकर रहना होगा क्योंकि ये दोनों वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। अब इसके बाद डीन एल्गर से बॉल विवाद पर सवाल किया गया और पूछा गया कि आखिर मैदान में हुआ क्या था, डीन एल्गर विराट कोहली और अंपायर के बीच में क्या विवाद था। तो यहां पर तुरंत ही डीन एल्गर ने माफी मांग ली। जी हां, एल्गर ने कहा कि भारतीय टीम हमारे देश में उस हालत में खेलने आई जबकि दूसरी पूरी दुनिया ने हमें अलग थलग कर दिया था ओमिक्रॉन की वजह से और ऐसी कंडीशन में ये सारे विवाद होने नहीं चाहिए थे। डीन एल्गर ने कहा कि अगर विराट को बॉल चेंज करनी थी तो अंपायरों को ऐसा कर देना चाहिए था क्योंकि ये एक कप्तान का हक है और विराट सिर्फ इतनी सी बात कह रहे थे कि बॉल को बदल दो। डीन एल्गर ने कहा कि मैं इसके लिए पूरी अफ्रीकी टीम और हमारे देश की तरफ से माफी मांगता हूँ। जी हाँ, जो अफ्रीकी टीम, जो अफ्रीका के कप्तान कल तक बेईमानी कर रहे थे, चौथे दिन अंपायरों के साथ मिलकर भारत को हराने का प्लान कर रहे थे, उसी टीम के कप्तान डीन एल्गर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि पूरे देश की तरफ से विराट कोहली, उनकी टीम, उनके देश यानी कि भारत से माफी मांगते हैं क्योंकि उनके साथ मैदान में गलत हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। हालांकि विराट कोहली भी वहां पर अड़े रहे थे और टीम इंडिया के साथ विराट ने गलत होने नहीं दिया और नई बॉल लेकर ही खेल शुरू किया गया, लेकिन इस दौरान 10 मिनट तक खेल रुका रहा, विराट भी अड़े रहे, भिड़े रहे, मगर अफ्रीका ने कोशिश खूब की बेईमानी करने की लेकिन कामयाब हो नहीं पाए और अब फाइनली अफ्रीकी कप्तान की, डीन एल्गर की टीम इंडिया से करारी हार के बाद अकल ठिकाने आ गई है, होश ठिकाने आ गए हैं और इसीलिए भारत की टीम से, भारतीय खिलाड़ियों से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और डर कर ही सही माफी मांग भी रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं कि क्या टीम इंडिया के साथ मैदान में गलत हुआ और डीन एल्गर की इस माफी पर आपका क्या कहना है, इस पर भी कमेंट जरूर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।